तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। अगर एसेट के साथ हमें कोई खर्चा हो, उसकी जर्नल एंट्री होती है या नहीं होती, बात समझना, मैं आपको समझाऊंगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दूंगा इसमें। सपोज क्वेश्चन इज, हमने बाइक खरीदी 70,000 की, कितने की, और इसमें कागज का खर्चा लगा 20,000, क्या लगा, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कहते हैं बाइक खरीद गया यार, बाइक मुझे पड़ी 90,000, कहते हैं कि नहीं, तो हम डॉक्यूमेंट की अलग एंट्री नहीं करते। चलो मैं आपको ऐसे कहूंगा, आपने लाया ड्रेस, क्या लाया आपने, आपने लाया 6,000 रुपए का ड्रेस, लेट इट बी, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें आपको स्कार्फ अलग से लाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 1,000, और भी कुछ चीजें एडिशनल लानी पड़ती है इसके लिए, ठीक है, जो पड़ता है आपको 500। तो आप क्या कहते हो, हमने 6,000 में लाया कि हमने लाया 7,500 में, इज इट क्लियर। तो ये ड्रेस जो है ये तैयार हो गया आपको 7,500, ऐसे हमने बाइक कितने में लाई और कागज का खर्चा, तो 70 + 20 कितना हुआ, तो हम इस परचेज बाइक एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज। हाउ कम यू, एसेट है ना ये। मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ क्योंकि शाम को मुझे पता चलेगा ना आपको क्या पूछना है। परचेज, इट्स नॉट परचेज गुड्स, इट्स परचेज बाइक। बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बेटा, बाइक बाइक अकाउंट डेबिट टू, और आपको पता है अमाउंट क्या लिखना है, आपको 90,000 क्या लिखना है, प्लीज बेटा क्या लिखना है बेटा, 90,000, इज इट क्लियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा, परचेज बाइक, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या बेटा, हाँ देखो, पेड फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं अलग नहीं करना, आपने सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, किसके वक्त, जब परचेज ऑफ एसेट हो। अब ऐसे भी बताइए, कोई एसेट हमने लाया, ऊपर से कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो खर्चा हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं, इज इट क्लियर, पॉइंट समझ आया, हाँ बाइक कितने की लाई मैंने, ऊपर से खर्चा 70 + 20, हम इसकी अलग एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इज इट क्लियर। किसके साथ है ये रिलेट, एसेट के साथ, किसके साथ है रिलेट ये, ओके नाउ ऐसे लिखा है, मशीन हमने परचेज की कितने में, परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, शायद शाम को एग्जाम है आपको, परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस पे मशीन यहां तक लाने के लिए हमें खर्चा लगा 2,000, कितना लगा, पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब भी एसेट के साथ कोई खर्चा लगे, उस खर्चे की अलग एंट्री नहीं होती है, इनफैक्ट आप कहेंगे मशीन मैंने लाई 50,000 की, इस पे 2,000 लगा ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन लगा 3,000, तो मशीन मुझे पड़ी 55,000 की, कितने की पड़ी, टफ लगा, कितने की पड़ी मशीन, तो ऐसे आप एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो इज इट क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, वहां पे ये रूल पहले आता है, जब ना कॉमर्स का होगा बेटा पहले ये रूल आता है। मैंने कहा कि बाइक कितने की लाए मैंने, कागज का खर्चा, तो क्या इस 70,000 का कुछ है वैल्यू विदाउट कागज, मत है, तो हम क्या करते हैं, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश 70 + 20 90,000, अलग एंट्री एक्सपेंस की नहीं करते, समझ आया, समझ आया। सो दिस वॉज द एक्सपेंस रिलेटेड विद
परचेज ऑफ एसेट, दिस वॉज किसके साथ, परचेज ऑफ एसेट। यहां तक पॉइंट समझ आए? अब सेल ऑफ एसेट भी होगा, याद रखना बेटा, हम एसेट को समझना, गुड्स को लाते हैं बेचने के लिए, क्यों, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, एसेट्स आर परचेज दैट आर नॉट मेंट फॉर सेल, वो हम नहीं लाते बेचने के लिए। क्या बेटा, एसेट हम नहीं लाते किस लिए, अब कुछ कोई चीज हो गई कि हमने एसेट लाया, अब हमें ये बेचना पड़ा, अब हमें ये, इज इट क्लियर, एसेट हमने लाया तो एसेट को क्या करना है बेटा, हमें बेचना है। तो कह रहा है मशीन सोल्ड फॉर 50,000, कितने की मशीन लाई और इस पे हमें खर्चा हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, इसको बेचने में हमें लग गए 4,000, कितने लग गए। तो मैंने कहा ना, एसेट के साथ चाहे परचेज हो या सेल हो, वो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड, देखो यहां पे आपने प्लस किया, यहां पे आपने, अब आप कितने में बेचते हो ये 50,000, लेकिन जिस इंसान ने बेचा ना उसे आपको देना है 4,000, तो इन अदर वर्ड्स आपने 46 ही पकड़ा, नहीं समझ आया, फिर से देखिए, आपने ये मशीन कितने की बेची, आपको कस्टमर नहीं मिलता था, आपने बीच में लगाया किसी को, चलो ये बेचो ये बेचो, अगर आप बेचोगे मैं आपको दूंगा 4,000, मैं आपको क्या दूंगा, इज इट क्लियर, कितना दूंगा 4,000। सो यहां पे आप लिखोगे सोल्ड मशीन कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सेल नहीं लिखना खुदा के लिए, द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने कितने में बेचा, कितने में बेचा, 50,000 में, खर्चा कितना हुआ बेचने में 4,000, तो हम यहां पे लिखते हैं 46,000, पॉइंट समझ आया। सर यहां पे माइनस क्यों किया, यहां पे एक्सपेंस को प्लस करते हो, लिसन टू मी, नहीं समझ आया, यहां पे एक्सपेंस को प्लस करते हो और यहां पे एक्सपेंस को माइनस करते हो। अब छोड़ दो कॉमर्स, आम जिंदगी में आओ, परचेज बाई खर्चा है, खर्चा है, खर्चा खर्चा खर्चा, प्लस प्लस प्लस, नहीं समझ आया, इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ ये दोनों खर्चे हैं, समझ आया, यहां पे मशीन सोल्ड रादर यू कैन से पैसा आता है, आता है, आप बताइए इनकम है, ठीक है, और ये क्या है एक्सपेंस, ये इनकम और एक्सपेंस है, ये है ना अपोजिट, तो ये माइनस होते हैं, क्या होते हैं, मशीन कितने की बेची आपने और बेचने में कितना खर्चा लगा, तो इन अदर वर्ड्स आपने कितना पकड़ा, 46,000, इज इट क्लियर, नहीं समझ आया, कितना पकड़ा आपने। तो आप मुझे बताएंगे एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, अथवा इसमें आप ऐसे लिखोगे मर्ज्ड, क्या बेटा, अपनी जगह याद रखो कि ये हम मर्ज करते हैं, क्या करते हैं, मगर किसके साथ, एसेट के साथ, किसके साथ, जब एक्सपेंसेस होंगे किसके साथ, एसेट के साथ, मैंने गुड्स के साथ नहीं कहा, इसके बाद जो रूल होगा वो होगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन एंड सेल ऑफ गुड्स, क्या कहा, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड, वहां पे अलग रूल है, यहां पे अलग रूल है, समझ आया, क्या कहा मैंने कि अगर एसेट के साथ कोई खर्चा होगा वो मर्ज होगा, जैसे कि बाइक लाई 70,000 की, क्या लाई, कितने की लाई, ऊपर से डॉक्यूमेंट का खर्चा कितना हो गया, तो मैंने बाइक कितने में तैयार हो गई, 90,000 हम डायरेक्ट करते हैं, इसकी अलग एंट्री, एसेट के साथ जो एक्सपेंस होंगे ना उनकी अलग एंट्री नहीं होती, हाँ एसेट हमने बेचा इस पे खर्चा लगा उसकी भी अलग एंट्री नहीं होगी, इज इट क्लियर, कॉपी करें आप। अब ये रूल कंपेयर करेंगे बेटा विद गुड्स, किन के साथ, रूल था एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, अब यही रूल है बेटा एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, गुड्स के साथ बेटा अलग एंट्री होती है, एसेट के साथ अलग एंट्री नहीं होती, गुड्स के साथ अलग एंट्री होती है, इज इट क्लियर, टफ लगा, मैं आपको बताता हूं,
गुड्स परचेज फॉर 10,000, इस पे किराया दिया हमने 500, कितना दिया किराया 500, जरा मुझे बताओ परचेज गुड्स इसकी एंट्री क्या होती? हाँ हाँ, पहले इसकी एंट्री करेंगे, ठीक। गुड्स परचेज इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेटा कितना 10,000, इज इट क्लियर, समझ आया? ओके, ये है ना, इस परचेज पे किराया लगा, किराया समझ आया? नहीं, मैं आपको बताता हूं, हमने एक बड़ा सा टीवी लाना है फ्रॉम लाल चौक टू कमरवारी, हम मतना है टार्जन या हल्क मत है, हम हाथ में उठाएंगे, ठीक है, ऐसे लाएंगे लाल चौक से कमरवारी तक, हमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा, लगेगा ना, तो उस परचेज पे हमें लगा ट्रांसपोर्टेशन, क्या लगा, पेड रेंट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सो पेड कैरिज ऑन परचेज, इसमें ऐसे लिखते हैं कैरेज ऑन परचेज, कैरेज मीन्स किराया, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेटा कितना 500 और 500, ओके माय डियर, मिलाइए ये एंट्री, मिलेगी ये, मिलेगी ये एंट्री, नहीं समझ आया? हाँ बेटा, हाँ बताइए बेटा, व्हाट इज सेम, कैश और कैश, क्या क्या बचा वहां पे, परचेज और कैरिज, तो हम ऐसे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू, इज इट क्लियर, हाउ मच द परचेज इज 10,000, कैरेज कितना बेटा, सो दिस इज इक्वल 10,500, समझ आया? जरा मुझे बताइए इसमें और पिछले रूल में फर्क क्या था, किसके साथ, गुड्स के साथ अलग एंट्री, गुड्स के साथ, हाँ एसेट के साथ अलग एंट्री, हाँ वहां पे मर्ज होता है वहां पे, ठीक है, यहां पे अलग एंट्री। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे कहूं गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 और गुड्स बेचने में खर्चा कितना लगा 4,000, पिछले रूल में हमने लिखा 46 डायरेक्ट लिखा, लेकिन गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 व्हाट इज द जनरल एंट्री, क्या 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 बात कीजिए मेरे साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हाउ मच 50,000, अच्छा सेलिंग एक्सपेंस पेड सेलिंग एक्सपेंस कैश खोसा नहीं, जरा बताओ पेड रेंट पेड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या नहीं पढ़ाया है, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 और 4,000, ये मर्ज नहीं होगा क्योंकि कैश डेबिट है कैश क्रेडिट है, सेल क्रेडिट है सेलिंग एक्सपेंस डेबिट है, इनमें मत है कुछ कॉमन, तो इनकी ये दो एंट्री हो जाएगी। पिछले रूल और इस रूल में क्या फर्क है बताओ, पिछले रूल में ये माइनस हुआ डायरेक्ट, यहां पे माइनस, समझ आ रहा है, पिछले रूल में ये प्लस हुआ, यहां पे प्लस, यहां पे अलग एंट्री हो गई, समझ आया? एसेट और गुड्स में क्या फर्क है, एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, बात समझना, अगर खर्चा प्लस खर्चा प्लस, सर क्या खर्चा प्लस क्या, सर क्या कह रहे हैं आप, उर्दू करना है ना, देखिए बाइक लाई खर्चा, इस पे खर्चा, दोनों को प्लस किया, सो खर्चा प्लस खर्चा इज इक्वल टू खर्चा, माइनस मत किया हमने। अब यहां पे देखिए ये भी खर्चा प्लस खर्चा है ना, अब मशीन सोल्ड फॉर, अब आप समझिए ये इनकम है, अब आप समझिए क्योंकि हमने कितने में भेजी मशीन 50,000, इज इट क्लियर, पैसा आया ना, पैसा आया, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताइए इन पैसा कितना आया, इन
इनफ्लो आया 50,000, इज इट क्लियर? हाँ, पेड सेलिंग एक्सपेंस गया कितना? 4,000. अब मुझे बताओ, बड़ा ये है कि ये है, तो 46 आएगा, इज इट क्लियर? पैसा आया 50, गया कितना? तो आया मींस इनकम, गया मींस खर्चा, समझ आ रहा है? 50,000 आया, 4,000 गया, तो हमने क्या यहां पे रिकॉर्ड किया? 46. अलग एंट्री नहीं की, अलग एंट्री, हाँ अलग एंट्री कहां पे की हमने, इज इट क्लियर? यहां पे देखिए, गुड्स परचेज फॉर 10,000, कैरेज ऑन परचेज, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये मर्ज किया, इज इट क्लियर? फॉरगेट अबाउट ये एग्जाम में आता है या नहीं आता, मुझे उसके साथ कोई रिलेशन है नहीं, समझ आ रहा है? सो यू हैव गिवन मी 16,000, ये 16,000 का पूरा फायदा उठाएगा। एग्जाम में क्या आता है, वो आपने पहले 10 दिन में कंप्लीट किया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, रिसीवर रेंट, उतना ही आता है, क्या आता है, समझ आ रहा है? सर तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं, हमने कॉमर्स लिया ना, ठीक है, कॉपी करें। रूल क्या था, एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, नाउ यू कैन राइट ए सेपरेट एंट्री ऑफ एक्सपेंस, ए सेपरेट एंट्री इज रिकॉर्डेड, ए सेपरेट एंट्री इज रिकॉर्डेड, वहां पे था, वहां पे मत था, ये कहां पे, एसेट के साथ ये नहीं था, टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा, ओके नाउ अब देखिए बेटा, थर्ड रूल नंबर, थर्ड रूल नंबर थर्ड, अगर प्रॉफिट या लॉस हो, क्या बेटा, कहां पे, ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड, लिसन टू मी माय डियर, रूल नंबर थर्ड इज, अगर गुड्स बेचने में हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो रिकॉर्ड नहीं होता, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड, क्या कहा मैंने, प्रॉफिट और लॉस कहां पे, ऑन सेल ऑफ गुड्स इज नॉट, गुड्स में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड होते, गुड्स बेचने में, फॉर एग्जाम्पल 40,000 के गुड्स आपने बेचे 50,000 में, देयर इज क्लियरली प्रॉफिट, बट यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड, आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं, एंट्री करनी है, एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री नहीं करनी, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बेटा यहां 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 देखिए, पहले मुझे बताओ सोल्ड गुड्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुनो यहां देखो बेटा, 18,000 के गुड्स कितने में भेजे, 16,000 में, तो मैंने पैसा कितना पकड़ा, देयर इज क्लियरली लॉस, है ना, वो लॉस हम गुड्स में रिकॉर्ड, सर क्यों नहीं करते, एवरी क्यों का आंसर है अकाउंटिंग में, हम देखते हैं एंड पे हमें कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, एंड पे, क्या जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाते हैं, तो हाँ मिडवे में हम नहीं देखते हैं, इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ, इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ, इन सिंपल वर्ड्स अगर गुड्स में प्रॉफिट आए या लॉस आए वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, 18,000 के गुड्स कितने में भेजे, इज इट क्लियर, सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल, हाँ सेलिंग प्राइस यू रिकॉर्ड, व्हाट यू रिकॉर्ड, सेलिंग प्राइस, ठीक, ओके नेक्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड फॉर, सोल्ड गुड्स एंट्री, ये वही है ना, ये वही है ना, सोल्ड गुड्स एंट्री क्या हो जाएगी, कि टफ लगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कितने में भेजा मैंने, क्या हमने बेटा यहां पे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट की एंट्री की, अगर प्रॉफिट होता क्रेडिट साइड आता, लॉस होता डेबिट साइड आता, मगर एंट्री जब करनी ही नहीं है, किसमें, गुड्स में, सर क्यों नहीं करनी है, हम एंड पे देखते हैं परचेज कितना किया, सेल कितना किया, टोटल सेल माइनस टोटल परचेज, हमें अपना प्रॉफिट
निकलता है, लेकिन वो इस वक्त नहीं, इस वक्त हम जस्ट करते हैं रिकॉर्ड, क्या करते हैं, इज इट क्लियर? ठीक है, तो गुड्स को यहां पर था ना प्रॉफिट, 18,000 के गुड्स कितने में बेचे, प्रॉफिट था ना 2,000, क्या हमने रिकॉर्ड किया? रूल इज अगर गुड्स में प्रॉफिट आए या लॉस आए वो रिकॉर्ड, अलबत्ता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। अगर एसेट में प्रॉफिट आए या लॉस आए वो हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, किस में, एसेट में, इज इट क्लियर? तो ऐसे ही होगा, बाइक कॉस्टिंग 18,000 कितने में बेची, 16,000, हम ऐसे लिखते ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बाइक लिखते ना, मगर यहां पे 18,000 की बाइक कितने में बेची, प्रॉफिट आया कि लॉस आया, तो हम ऐसे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ बाइक, क्या बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ बाइक अकाउंट डेबिट। क्या यहां पे लॉस की एंट्री की, नहीं समझ आया, गुड्स में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री नहीं करनी, एसेट में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ बाइक थी 18,000 की, नुकसान हो गया 2,000 और यहां पे आएगा 16,000, बीइंग बाइक कॉस्टिंग 18,000 सोल्ड फॉर, रूल जरा सम अप करें, अगर गुड्स में प्रॉफिट आए बेचने में, सेल ऑफ गुड्स में प्रॉफिट आए या लॉस आए, फिर से बताइए, सेल ऑफ गुड्स में प्रॉफिट आए या वो हम रिकॉर्ड, अलबत्ता सेल ऑफ एसेट में प्रॉफिट आए या लॉस आए वो हम रिकॉर्ड करते हैं, इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, मशीनरी कॉस्टिंग सोल्ड फॉर, अब मुझे बताइए बेटा, सोल्ड मशीन, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्या 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 बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, वही है, पैसा कितना पकड़ा मैंने, 20,000, और मशीन का, अब मुझे बताओ प्रॉफिट आया कि लॉस आया, कितना आया प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट आया 2,000 और यहां पे आएगा बीइंग मशीनरी कॉस्टिंग बेटा कितना, 18,000 सोल्ड फॉर, दीज आर द रूल्स, दीज आर द, टफ मत लगा, मगर एक पॉइंट का ख्याल आप रखेंगे, एक पॉइंट का ख्याल आप रखेंगे, ये पॉइंट है बेटा, देखिए बेटा बराबर है वही, अगर हम रूल को सम अप करेंगे ना, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, अगर एसेट में एक, अगर एसेट में एक्सपेंस होगा वो मर्ज होता है एक्सपेंस, ठीक है, जैसे बाइक लाई 70,000 की, डॉक्यूमेंट का खर्चा 20,000, बाइक कितने की लाई हमने, 90,000 की, ठीक है, उसी में मैंने कहा था बाइक हमने बेची 50,000 की, खर्चा लगा 4,000, तो हमने लिखा था 46, लिखा था किसके साथ, एसेट के साथ, लिखा था एसेट के साथ एक्सपेंस क्या होते हैं, मर्ज, क्या होते हैं, मर्ज, क्या होते हैं, ठीक, ओके, मुझे बताइए फर्नीचर कॉस्टिंग, जरा मेरे से यहां देखिए ना, फर्नीचर कॉस्टिंग सोल्ड फॉर, यहां तक अभी आप समझिए, यहां तक आप अभी समझिए, 12,000 का फर्नीचर कितने में भेजा, ओके, सोल्ड फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, एक मिनट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टफ लगा, और प्रॉफिट भी आया ना वहां पे, टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, टू प्रॉफिट ऑन, हां 12,000 का मैंने कितने में भेजा, लेकिन इस एसेट को बेचने में कितना खर्चा, इन अदर वर्ड्स मैंने 16,000 नहीं पकड़े, मैंने पकड़े 15,000 ही, क्या पकड़े, टफ लगा, टफ लगा, तो यहां पे 15,000 आएगा
और फर्नीचर था 12,000 का, तो प्रॉफिट आया 3,000 ही ओनली। क्या आया? मर्ज हुआ ना खर्चा भी। ये इकट्ठे रूल हो गए। फिर से समझना, 12,000 का था फर्नीचर, कितने में बेचा? प्रॉफिट कितना आया? 4,000। लेकिन खर्चा भी हुआ ना 1,000, प्रॉफिट आया ना सिर्फ 3,000 ही। फिर प्रॉफिट 3,000। इज इट क्लियर? आप ये कॉपी करें, मैं सम अप सारे रूल्स करूंगा। माय डियर, हमारे पास अब बुक के क्वेश्चन दिखाने हैं ना, पहले रूल पढ़ना होता है। देखिए, पहले खर्चा का, जो खर्चा था ना, एसेट के साथ होते हैं मर्ज, गुड्स के साथ होती है अलग एंट्री। याद रखना बेटा, क्या एसेट के साथ क्या होते हैं वो? हाँ, गुड्स के साथ क्या होती है? अलग एंट्री। यहां पे देखिए, पहले परचेज गुड्स फॉर 8,000, परचेज गुड्स एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? ये है ना गुड्स के साथ एक्सपेंस, इनकी अलग एंट्री हो जाएगी। तो अलग एंट्री का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? बींग गुड्स परचेस्ड, बींग गुड्स परचेस्ड एंड कैरेज पेड। ठीक, पॉइंट समझ आया बेटा? पहला जरा बताइए बेटा, क्या था ये? कि गुड्स खरीदे, गुड्स के साथ एक्सपेंस होगा, उनकी अलग एंट्री होती है। तो अलग एंट्री हो गई ना, हो गई कि नहीं? अब बताइए, गुड्स कितने के खरीदे? 8,000 के। इस पे खर्चा कितना? 100 रुपए। तो 8,100 रुपए। टफ लगा? अब एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, यहां पे देखिए, मशीन कितने की खरीदी, उस पे खर्चा, इस खर्चे की अलग एंट्री नहीं होगी। परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या 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 क्या, जरा मुझे बताइए, क्या लिखूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, एंड यू नो हम क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट 15,000। क्या लिखेंगे? समझ आया? इसमें और इसमें फर्क समझा? मशीन खरीदी थी 14,500 की, उस पर खर्चा कितना? तो हमने डायरेक्ट क्या लिखी एंट्री? डायरेक्ट हमने लिखा 15,000। क्या लिखा डायरेक्ट? पॉइंट क्लियर कि नहीं समझ आया? अगर मशीन के साथ कोई खर्चा लगा, उस खर्चे की अलग एंट्री नहीं होती। हाँ, गुड्स के साथ अगर खर्चा लगे, उसकी अलग एंट्री होती है। जैसे कि इसकी अलग एंट्री हो गई, कैरेज ऑन परचेज, आया कि नहीं? तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग मशीनरी, इज इट क्लियर बेटा? टफ लगा? अब मुझे बताइए, नाउ लिसन माय डियर, बेटा सोल्ड गुड्स एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold for cash। कितने में भेजा बेटा हमने? 12,000 में। इसी के साथ लिखा है selling commission paid, paid selling commission, selling commission account debit to cash। सेलिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच माय डियर? 600। सर आपने ये मर्ज क्यों क्यों नहीं किया? ये मर्ज नहीं होगा, क्योंकि एक एक्सपेंस है, दूसरा इनकम है। टफ लगा? तो बीइंग सेलिंग कमीशन पेड, ठीक है बेटा? बताइए बेटा कितना है? अप्रैल 7 है ये भी। हाँ,
अब यहां पे देखिए बेटा, ये अब चेक कीजिए मैंने ये रूल दिखाया कि नहीं। फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 18,000, एसेट में प्रॉफिट आया, रिकॉर्ड होता है। एसेट में प्रॉफिट आया, इज इट क्लियर, रिकॉर्ड होता है कि नहीं? हाँ, पहले मुझे बताएं इसकी जर्नल एंट्री पहले करेंगे। फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 18, सोल्ड फर्नीचर, हाँ ऐसे लिखूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, आपको नहीं लगता वहां पे प्रॉफिट है? नहीं, बताइए ना मुझे, दिख रहा है प्रॉफिट कि नहीं? तो प्रॉफिट टू, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा बेटा, क्रेडिट, लॉस क्या होगा, डेबिट, इज इट क्लियर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इज इट क्लियर। अब अमाउंट लिखना है ना सर, पहले बात समझना, 15,000 का बेचा कितने में मैंने, प्रॉफिट कितना कमाया, लेकिन 3,000 पे हमें हुआ है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मीन्स बेचने का खर्चा, बेचने का खर्चा कितना हुआ, 1,000, तो मैंने 3,000 में से 1,000 माइनस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से खर्चा कितना, 1,000, तो प्रॉफिट कमाया ना सिर्फ 2,000, कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, टफ लगा, समझ नहीं आया। फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस क्या है, गुड्स आर डिक्रीज्ड बाय कॉस्ट प्राइस इन अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है? सो 15,000, इन अदर वर्ड्स मैंने पक डाला सिर्फ 17,000। सर कैसे, 15,000 का बीजा कितने में, तो 18,000 पकड़ा, लेकिन 18 में से खर्चा कितना हुआ, 1,000, पकड़ा कितना, 17,000। यहां पे दो रूल आए, एसेट के साथ प्रॉफिट आया, आया और वहां से एक्सपेंस भी आया, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस मर्ज किया, एक्सपेंस की मत की अलग एंट्री, यहां पे मत की अलग एंट्री। हाँ अलबत्ता अगर ये एक्सपेंस आता कहां पे, गुड्स के साथ, इसकी अलग एंट्री होती, ये मर्ज नहीं होता, ये मर्ज टफा गो, समझ आया? फिर से समझना बेटा, रिवाइज करना है आपको। अगर फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 18,000, देयर इज प्रॉफिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट, डन। लेकिन इसी बीच हमने एक्सपेंस भी क्या किया, मर्ज, क्या किया, समझ आ रहा है, मतलब माइनस किया। तो यहां पे लिखेंगे बेटा, बीइंग फर्नीचर कॉस्टिंग बेटा कितना, 15,000, यही लिखेंगे, सोल्ड फॉर 18,000 एंड ब्रोकरेज पेड, एंड ब्रोकरेज पेड। अब लास्ट एंट्री बेटा याद रखें, बिजनेस व्हीकल गाड़ी है, क्या है, गाड़ी कितने की है, बेची कितने में मैंने, पहले बताओ, सोल्ड फर्नीचर, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल है ना, सोल्ड व्हीकल, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल वही आएगा। चलो मैं यहां पे ही लिखता हूं, क्या लिखूं, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, बात समझना प्लीज बेटा प्लीज। 30,000 ना, बिजनेस व्हीकल कॉस्टिंग कितने में भेजा, वहां पे प्रॉफिट आया कि लॉस आया, एसेट के साथ लॉस रिकॉर्ड होता है कि नहीं, होता है, गुड्स के साथ प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड, एसेट के साथ प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड होता है, मैंने बताया है, आपके पास प्रूफ है, ये वीडियो, इज इट क्लियर, आप ये देख सकते हैं। मुझे बता दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, पहले मुझे बताइए, एक मिनट, 35 का कितने में मैंने भेजा, लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 5,000, एक तो वो लॉस, और ऊपर से खर्चा भी हुआ ना 900,
तो असल में लॉस हुआ हमें 50, टफ लगा, कितना हुआ लॉस, इज इट क्लियर, 50। अब मुझे बताइए जरा ये, या प्लीज, बीजी कितने में मैंने, 30,000 में, तो मैंने कैश पकड़ा 30,000, हाँ, लेकिन इस 30,000 में से खर्चा कितना हुआ मुझे, 900। सो 30,000 माइनस 900, दैट्स इक्वल 21900, इतना ही पकड़ा, सॉरी 29,100 पकड़ा, टफ लगा, 29,000 कैसे पकड़ा, 30,000, 30,000 में से खर्चा कितना हुआ, तो पकड़ा मैंने 29,100, दिस प्लस दिस बेटा कितना हुआ, 35,000। बीइंग व्हीकल सोल्ड एट अ लॉस, सिंपल, सोल्ड एट एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड। सुनिए बेटा, आपको लॉजिक समझ आया, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको समझ आया, लेकिन इस दिमाग को ना, इस जैसा पॉइंट एक्सेप्ट करने की ना, मतलब वो प्रिपरेशन नहीं थी। आपको इसमें रिवाइज करना है, रूल आपके सामने है, ठीक है, आपने जस्ट चेक करना है क्या होता है क्या नहीं होता। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। जाते 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 जाते, ठीक है, एक्सपेंस थे, पहला रूल बेटा किसके साथ, फिर एसेट के साथ, बेटा यहां पे सेपरेट एंट्री, बेटा यहां पे क्या होती है, और यहां पे बेटा, इज इट क्लियर, मर्ज का मतलब बेटा या तो प्लस होता है या तो टफ लगा, कंक्लूड कर रहा हूं, इज इट क्लियर। मगर ये एक्सपेंस है, बोथ एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल, एक्सपेंस ऑन परचेज एंड टफ लगा, ठीक। और इसके बाद बेटा जो सेकंड रूल था वो था प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, यहां पे परचेज नहीं है, परचेज दूसरे दिन का टॉपिक है सर, क्या और वो तुमने जमा की, लेकिन हमें पता है ना, अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, और ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहां पे क्या बेटा, नॉट रिकॉर्डेड, समझ आ रहा है, रिकॉर्ड मत करते हैं रिकॉर्ड, आपने समझ नहीं आया। अब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, आपको पता है आपको टफ क्यों लगा, क्योंकि आपने रिवाइज किया सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री का, कंपाउंड का आपने रिवाइज नहीं किया है, इसीलिए आपको टफ लग रहा है। आपसे वर्ड है, आपको ये आएगा अच्छे से, मैं सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको रिवाइज करूंगा, इज इट क्लियर, यहां तक समझ आए, कोई क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड फॉर 20,000, फ्रीट पेड 500, तो एक्सपेंस पहले परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब एक्सपेंस है रिलेटेड गुड्स के साथ, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक्सपेंस होंगे गुड्स के साथ उनकी अलग एंट्री होती है कि नहीं, तो एंट्री विल बी यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट, जरा बताए, पेड फ्रीट, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड फ्रीट, फ्रीट अकाउंट डेबिट टू कैश, सो फ्रीट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड
एंड फ्रीट पेड. हाउ मच माई डियर, परचेज हमने किया 20,000 का और फ्रीट हमने दे दी 500 रुपए. सो टोटल हमने दिया 20,500. वट वॉज द रूल? अगर एक्सपेंस होगा गुड्स के साथ उसकी अलग एंट्री होती है, और यहीं पे तो हमने किया ना, इस फ्रीट की अलग एंट्री होगी, फ्रीट अकाउंट डेबिट टू कैश. सो फैब वन टफ लगा. द नेक्स्ट वन इज मशीनरी परचेज फॉर 30,000. मशीन हमने खरीदी बेटा, कितने की खरीदी? 30,000 की. उस पे खर्चा लगा 900. कहा था मैंने अगर खर्चा लगा एसेट के साथ वो होते हैं मर्ज. एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ एसेट वो होते हैं मर्ज. क्या होते हैं? तो हम कहेंगे कि मशीन हमने 30,000 की नहीं खरीदी, हमने 30,900 की खरीदी. सो एंट्री विल बी माय डियर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो वी से 30,900 एंड 30,900. ये था आपका रूल कि मशीन आपने खरीदी 30,000, ऊपर से खर्चा लगा 900, तो मशीन का खर्चा जो हुआ वो हुआ 30,900. तो यहां पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड. बताइए बेटा डेट क्या है बेटा आपका? फेब 2. नाउ द थर्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया. गुड्स परचेज फॉर 25,000. गुड्स परचेज, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके साथ खर्चा लगा 300. मैंने कहा था ना गुड्स के साथ जो खर्चा लगेगा उसकी अलग एंट्री. परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. बताइए पेड कार्टेज, कार्टेज भी आप समझो किराया. पेड कार्टेज, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कार्टेज अकाउंट डेबिट. अब गुड्स कितने में खरीदे? 25,000 के, और जो कार्टेज है आपका वो कितना है? 300. दैट इज 25,300. मैंने कहा था अगर गुड्स के साथ खर्चा लगे उनकी अलग एंट्री, एसेट के साथ खर्चा लगे वो मर्ज होते हैं, अलग एंट्री नहीं होती. बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड कार्टेज पेड. ओके नाउ फैब 3 ये था. Now there is Feb 4. Goods costing 8,000 sold for 9,500 against check. Check से हमें bank आएगा, बाकी कोई point नहीं है. लेकिन profit आया goods में. मैंने आपको कहा था अगर goods में profit आए वो हम record नहीं करते. Profit or loss on sale of goods वो हम record नहीं करते. तो profit की अलग entry नहीं होगी. Simple बेटा. गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर 9,500. सोल्ड गुड्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. अब कैश की जगह आएगा बैंक बिकॉज देयर इज चेक. तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे. बीइंग गुड्स सोल्ड. अब मुझे बताएं 8,000 के कितने में हमने बेचे? 9,500 में. तो हम लिखेंगे 9,500 जितने में बेचा वही. इज इट क्लियर? मगर सिर्फ एक बात का ख्याल आप रखेंगे मुझे. फेब 3 ये है, फेब 4 ये. मुझे बताइए कि प्रॉफिट तो आया था गुड्स में, हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम गुड्स में इंडिविजुअली प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फिर हम एंड पे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे देखते हैं सेल कितना आया, परचेज कितना है, सेल माइनस परचेज हमें अपना प्रॉफिट मिलता है. लेकिन इंडिविजुअली में गुड्स में हम प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करते. ओके नाउ फर्नीचर कॉस्टिंग 9,000 सोल्ड फॉर 11,000. अब एसेट में प्रॉफिट आया. मैंने क्या कहा था अगर एसेट में प्रॉफिट आएगा
तो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्डेड सेपरेटली, प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, अगर लॉस भी होगा रिकॉर्ड करते हैं, लॉस होगा डेबिट, प्रॉफिट होगा क्रेडिट। ओके, नाउ फर्नीचर कॉस्टिंग 9,000 सोल्ड फॉर 11,000, सोल्ड फर्नीचर आप मुझे बताएं, इट्स एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, इज इट क्लियर। अब मैंने कितने का फर्नीचर भेजा, 11,000 का, फर्नीचर का प्राइस था 9,000 और यहां पे 2,000। यहां पे चेक कीजिए, फर्नीचर की अलग, प्रॉफिट की अलग एंट्री हुई, अगर गुड्स में होता वहां पे अलग एंट्री नहीं होती है। सो बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, इज इट क्लियर, तो फेब 5 तक हो गया। नाउ देयर इज फेब 6, फेब 6 की एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000। ठीक है, मैंने कहा था ना गुड्स के साथ कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिंपल। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000, सोल्ड गुड्स एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर वहां पे लिखा है सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड, मैंने कहा था अगर एक्सपेंस गुड्स के साथ होंगे उनकी अलग एंट्री होगी, सेपरेट एंट्री। ठीक है, अगर गुड्स के साथ एक्सपेंस होंगे उनकी अलग एंट्री। बताइए मुझे सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड, पेड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, ये एक एंट्री इसकी, इसके बाद बीइंग सेलिंग एक्सपेंस पेड। बताइए बेटा गुड्स कितने में हमने बेचे, गुड्स हमने बेचे 15,000 में, इज इट क्लियर। और सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हमने, 500। सर ये अलग क्यों हो गई, क्योंकि एक इनकम थी दूसरा एक्सपेंस था। ठीक है, ये मर्ज नहीं होता। ठीक है, अगर परचेस परचेस था तो मर्ज होता, लेकिन एक सेल है दूसरा परचेस है, तो इसीलिए इसकी दो एंट्रीज हो गई। अब यहां पे देखें, गुड्स में हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया मत, अब प्रिंटर कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 15,000, प्रिंटर हमने बेचा एंड देयर इज प्रॉफिट, सोल्ड प्रिंटर, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन प्रिंटर अकाउंट, इज इट क्लियर। मगर याद रखिए बेटा, 12,000 का प्रिंटर था, बेचा मैंने 15,000 में, प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, सर प्रॉफिट कमाया हमने 3,000, लेकिन 3,000 में 600 खर्चा, 3,000 माइनस 600, सो 2,400 इज द ओनली प्रॉफिट, 2,400 इज द ओनली प्रॉफिट। यहां पे देखिए 12,000 का प्रिंटर है, बेचा कितने में हमने, 15,000 में, अगर 15,000 में बेचा सो देयर इज प्रॉफिट 3,000, सर प्रॉफिट आया 3,000, लेकिन खर्चा हुआ ना 600, अगर 3,000 में 600 खर्चा हुआ तो 2,400, ठीक है, तो 2,400 इज योर प्रॉफिट, इज इट क्लियर। वन मोर पॉइंट इज देयर, प्रिंटर कॉस्टिंग 12,000, कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड होता है बेटा प्रिंटर के साथ, तो दिस प्लस दिस 14,400। शायद आपको अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, बेजा कितने में, 15,000 में, खर्चा कितना हुआ 600, 15,000 माइनस 600 दैट इज 14,400, बाकी आपको ऑटोमेटिकली निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल यहां पे दो रूल्स आए, एक तो हमने प्रिंटर के साथ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस मर्ज किया, एक्सपेंस की अलग एंट्री नहीं की। ठीक है,
पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ये बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट एंड सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड। एक्सपेंस की अलग एंट्री नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखना बेटा कि फेब 7 था और ये था फेब 6। एक्सपेंस की अलग एंट्री किसके साथ? एसेट के साथ नहीं होती, रादर दे आर मर्ज्ड। एन ऑफिस अलमीरा कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 13,000। ऑफिस की एक अलमीरा थी 15,000 की, बेचा कितने में हमने? 13,000 में। सोल्ड अलमीरा, कैश अकाउंट डेबिट अलमीरा, बट देर इज लॉस। ठीक है, देर इज लॉस, एसेट के साथ लॉस आए वो रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू अलमीरा अकाउंट, लेकिन देर इज लॉस, लॉस ऑन अलमीरा अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे बताए, 15,000 की अलमीरा थी, कितने में बेची? 13,000 में, लेकिन 13,000 आपने कैश पकड़ा, उसमें से 500 खर्चा हुआ, 13,000 माइनस 500 तो आपने पकड़ा 12,500। टफ लगा, फिर से समझना। ठीक है, 15,000 की थी अलमीरा, ये है ना कॉस्ट प्राइस, ये अलमीरा में लिखेंगे, यहां तक ठीक? 15,000 की थी अलमीरा, बेचा आपने 13,000 में, कितने में बेचा? 13,000 में। सो देयर इज लॉस 2,000, लॉस प्रॉफिट नहीं है ये। ठीक है, और खर्चा कितना हुआ? 500, तो टोटल लॉस हुआ ना आपको 2,500। ठीक है, जस्ट एक दो बार रिवाइज करें, आपको एक क्वेश्चन आएगा। बीइंग अलमीरा sold at a loss, sold at a loss and selling expense incurred, is it cleared? बस बेटा ये क्या था? Feb 8। सो विद दिस आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इजी है, अगर आपको टफ लगे ना बेटा एक दो बार रिवाइज करें बेटा, सारे के सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं इन दो वीडियोस में। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।